ख्रिस्त में मेरे भाइयों तथा बहनों, आज हम नोबेना का पांचवा दिन में प्रवेश कर रहे हैं और आज का मनन चिंतन करने का विषय है संत डोमिनिक का मिशनरी उत्साह। मैं एक घटना के माध्यम से संत डोमिनिक के मिशनरी उत्साह को समझाना चाहूँगा। एक बार संत डोमिनिक दक्षिणी फ्रांस के आल्बी नामक क्षेत्र में धर्माध्यक्ष डिएगो के साथ यात्रा कर रहे थे। यह यात्रा संत डोमिनिक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यात्रा करने वक्त उन्हें एक चौंकाने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा, जहां ईसाई लोग कैथोलिक कलीसिया से अलग होकर एक कथारी नामक धर्म को अपनाने लगे थे। इस समाज के लोग उनके बुरे शिक्षा से कैथोलिक जनता को आकर्षित करते हुए उनकी ओर खींच रहे थे और इस समाज के लोग अपने आप को शुद्ध और सिद्ध मानते थे। वे काले कपड़े पहनकर एक तपस्वी जीवन जीते थे। धन दौलत होते हुए भी दूसरों को दिखाने के लिए गरीबी जीवन जीते थे, जिसे देखकर यहाँ तक कि कैथोलिक पुरोहित और याजक लोग अपने विश्वास खोने की राह में थे। यात्रा करते वक्त डोमिनिक को एक सराय पर रुकना पड़ा, जहाँ पर डोमिनिक की मुलाकात एक सरायदार से हुआ, जो कथारी लोगों की त्रुटियों पर डूबा हुआ था। वह कथारी समाज के एक उपयाजक के रूप में उस सराय पर काम करता था। डोमिनिक रात भर एक अनजान मुसाफिर के रूप में अपना स्थिति को भूलकर, अपना यात्रा की थकन को भूलकर उस सरायदार से सच्चा शिक्षा और सच्चा विश्वास के बारे में चर्चा किया। डोमिनिक ने उन्हें कान लगाकर धैर्यपूर्वक सुना, उनके लिए अपना मूल्यवान समय दिया और साथ साथ सरायदार जो भ्रम और मूर्खता का जीवन जी रहा था उसे दूर करने में सक्षम हुआ। अंत में वह संत डोमिनिक की बातों को इनकार नहीं कर सका, जो दृढ़ विश्वास के साथ बोल रहा था। जब दिन ढला तो स्वयं संत डोमिनिक की ओर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पश्चात डोमिनिक बड़ी खुशी और आनंद के साथ उस भटकी हुई आत्मा को बचाकर अपने यात्रा में आगे बढ़े। हमें संत डोमिनिक के जीवन में यह भी देखने को मिलता है कि वह पापियों की मुक्ति के लिए रात भर आंसू बहाते हुए प्रार्थना किया। प्रार्थना में संत डोमिनिक कहते थे, इस पापियों का क्या होगा। आज हमें स्वयं को पूछना चाहिए कि क्या मैं जरूरतमंद लोगों के लिए अपना मूल्यवान समय देने को तैयार हूं। क्या मैं मेरे विश्वास को दूसरे लोगों को धैर्यपूर्वक प्रकट करने में सक्षम हूं। क्या मैं पापियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। तो आइए हम संत डोमिनिक की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी संत डोमिनिक जैसे लोगों के लिए अपना मूल्यवान समय दें और हमारे जीवन और अच्छे कार्य द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए। आमीन। संत डोमिनिक से प्रार्थना। हे मधुर आशा, जिसे आपने उन लोगों को दी है जो आपकी मृत्यु के समय रोए, यह आश्वासन देते हुए कि आपके जाने के बाद आप अपने बच्चों की सहायता करेंगे, पूर्ण कर हे पिता जो आपने कहा था और अपनी प्रार्थनाओं द्वारा हमारी सहायता कर। आप जो बीमारों रोगियों को चंगा करके दिव्य रोशनी से आलोकित करते हुए यीशु से हमारे लिए प्रार्थना करें कि वे हमारे पीड़ित हृदयों को स्वस्थ करें। पूर्ण कर हे पिता जो आपने कहा था और अपनी प्रार्थनाओं द्वारा हमारी सहायता कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। पूर्ण कर हे पिता जो आपने कहा था और अपनी प्रार्थनाओं द्वारा हमारी सहायता कर। हे दिव्य पिता संत डोमिनिक, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तूने अपनी कलीसिया को अपने धर्मवीर संत डोमिनिक की पवित्रता और शिक्षा द्वारा प्रेरित किया,
उनका पुण्य प्रभाव तथा शिक्षा माता कलीसिया की सहायता के लिए पहुंची। उनकी मध्यस्थता द्वारा हमारी दैनिक आवश्यकताओं और आध्यात्मिक जरूरतों को पूर्ण कर हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रकाश में करता प्रचार, रात के अंधेरे में।